अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर को। तो आज हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को एनालाइज करेंगे, फिर हम बात करेंगे इनकी परफॉर्मेंस में कि हम देखेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी किससे बेटर है। फिर हम बात करेंगे लैंग्वेजेस पे कि हमें इन दोनों टेक्नोलॉजीज पे एप्स बिल्ड करने के लिए कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती हैं। फिर हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज पे कि किस टेक्नोलॉजी में हमारे पास ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। फिर लास्ट में हम ये बात करेंगे कि हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्नोलॉजी को पिक करना चाहिए। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो रिएक्ट नेटिव है और जो फ्लटर है मेरे पास, ये हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम सेम टाइम पे जो कोड लिख रहे होते हैं वो एंड्रॉयड के लिए भी लिख रहे होते हैं और iOS के लिए भी कोड लिख रहे होते हैं। तो हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए सेम टाइम पे कोड एक ही लिखते हैं, लेकिन हमारे पास दो एप्लीकेशन बिल्ड हो रही होती हैं, जो एक होती है हमारे पास एंड्रॉयड के लिए और एक होती है हमारे पास iOS के लिए। मतलब एक प्ले स्टोर के लिए होती है और एक इसलिए होती है और एक एप्पल स्टोर के लिए होती है हमारे पास। इससे पहले हमारे पास एक नेटिव ऐप का कॉन्सेप्ट होता था कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है अगर एंड्रॉयड पे, तो वो आप एंड्रॉयड पे उसका अलग से कोड लिखते थे और iOS पे उसका अलग से कोड लिखते थे। लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ ने हमारी ये प्रॉब्लम का हल निकाला है कि जिससे हमारा टाइम भी बचत हो जाता है और हमारा जो जितने हमारी जो बजट होता था उसमें भी हमारे पास खासा कमी आ गई है। क्योंकि हम अब क्या करते हैं, इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को पिक करके एक कोड लिखते हैं जो हमारे पास एंड्रॉयड में भी होता है और iOS के लिए होता है। इससे क्या हुआ, हमारी टाइम भी सेविंग होगी और हमारे जो पैसे लग रहे थे, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज लग रहे थे, उसमें भी हम खासा का कमी आ गई है हमारे पास। ये जो रिएक्ट नेटिव है हमारे पास, ये फ्री एंड ओपन सोर्स UI सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। फ्री मतलब कि कोई भी डेवलपर या कोई भी यूज़र जो है इसे इजीली अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसे यूज़ कर सकता है। मतलब हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है किसी भी टाइप के यूज़र्स के लिए। तो इसे रिएक्ट नेटिव को लॉन्च किया गया था 2015 में फेसबुक की तरफ से। अगर हम दूसरी तरफ फ्लटर की बात करें तो फ्लटर भी हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स SDK फ्रेमवर्क है कि इसे भी कोई भी डेवलपर, कोई भी न्यू यूज़र अपने सिस्टम पे इजीली इंस्टॉल कर सकता है। उसे भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो फ्लटर है, इसको लॉन्च किया गया था 2017 में गूगल की तरफ से। जो रिएक्ट नेटिव का ऑनर है वो है क्या है, फेसबुक, और फ्लटर का ऑनर क्या है, गूगल। ये दोनों टीम्स ही रिएक्ट नेटिव को और फ्लटर को कम्प्लीटली ऑन भी करनी है और इसे मेंटेन करके, और साथ साथ हमारे पास इसकी अपडेट्स भी दी जा रही हैं। अगर हम आज के टाइम में देखें तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट बन चुकी हैं। तो अगर हम रिएक्ट नेटिव की बात करें तो रिएक्ट नेटिव को यूज़ करते हुए हमारे पास इंस्टाग्राम के बहुत सारे कंपोनेंट्स बने हैं, नेटफ्लिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो रिएक्ट नेटिव का हो रहा है, अमेज़ॉन भी रिएक्ट नेटिव को अडॉप्ट कर चुकी है, उबर ईट्स में, वाइबर में, पिंटरेस्ट भी हमारे पास पूरी की पूरी रिएक्ट नेटिव को यूज़ करते हुए बनी है, स्काई भी, स्पॉटिफाई भी, टेस्ला भी, जो हमारे पास एक बेसिकली कार की एक इंडस्ट्री है, वो भी रिएक्ट नेटिव को अडॉप्ट कर चुकी है। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम फ्लटर की बात करें तो जो हमारे पास गूगल ऐड बन रहे हैं वो फ्लटर का ही एक सॉफ्टवेयर है। ये जो Alibaba.com है हमारे पास, ये जो चाइना में बहुत बड़ा ई कॉमर्स का ब्रांड है, वो भी फ्लटर को अडॉप्ट कर चुका है। फिर अगर हम ड्रीम इलेवन भी देखें तो वो भी फ्लटर को अडॉप्ट कर चुकी है। ईबे, ये भी एक हमारे पास एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कैपिटल वन, ग्रुपॉन, BMW, जो हमारे पास एक कार की इंडस्ट्री है, वो भी फ्लटर को अडॉप्ट कर चुकी है। तो बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं आज के टाइम में। अगर हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ की लैंग्वेजेस पे बात करें, ये जो रिएक्ट नेटिव है हमारे पास, ये जावास्क्रिप्ट पे बेस करती है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। अगर कोई भी यूज़र या डिवेलपर रिएक्ट JS या जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव को सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, ये उसके लिए एक बहुत इजी लैंग्वेज होगी। तो अगर हम फ्लटर की बात करें तो फ्लटर हमारे पास डार्ट पे बेस करती है, ये गूगल की तरफ से हमारे पास एक न्यू लैंग्वेज है। तो अगर हम डार्ट के सिंटैक्स की बात करें तो डार्ट का सिंटैक्स हमारे पास जावा, C++ और C# से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और डार्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट और क्लासेस देखने को मिलेंगी।
तो हमारी काफ़ी रिसर्च के बाद हमें ये पता चला है कि डार्ट जो है हमारे पास एक एक बहुत इजी लैंग्वेज है अगर हम इसे पिक करते हैं तो। इसके रिव्यू हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये बहुत इजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। तो अगर हम डार्ट को सीख लेते हैं तो फिर हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल ही रहता कि हम फ्लटर पर कोई ऐप ना बना सकें। तो अगर हमने एक बार डार्ट को कम्प्लीटली सीख लिया तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है, फ्लटर पर हम किसी भी टाइप की कोई भी ऐप बना सकते हैं, क्योंकि फ्लटर जो है हमारे पास डार्ट का एक फ्रेमवर्क है। तो अगर हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं जब से ये आई हैं। तो अगर हम गिटहब पर देखें या और दूसरी वेबसाइट्स पर देखें तो लोग डेली बेसिस पे इनको इनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़र जो है हमारे पास रिएक्ट नेटिव को भी यूज़ कर रहे हैं और फ्लटर को भी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम एज अ बिगनर बात करें तो एक जो डेवलपर है वो जिसका बैकग्राउंड काफ़ी हद तक जावास्क्रिप्ट से मिलता जुलता है या रिएक्ट जेएस करके आ रहा है तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव को सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। बट अगर आप वहाँ से नहीं आ रहे, सी जावा करते हुए आ रहे हैं या सी है या सी प्लस प्लस को करते हुए आ रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हाउ नो है ऑब्जेक्ट का या क्लासेस का, तो फिर आपको डार्ट को ही चूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डार्ट का जो सेंटेंस है काफ़ी हद तक हमारे पास इन तीनों लैंग्वेजेस से मिलता जुलता है। तो आप डार्ट को इजीली सीख के फ्लटर जैसा फ्रेमवर्क सीख सकते हैं और उस पर ऐप्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम रिएक्ट और फ्लटर के डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो दोनों में हमारे पास दो या तीन फीचर बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों के अंदर आपको हॉट रीलोड मिल जाएगा, तो इसमें हमें अपने कोड में चेंजेस देखने के लिए बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामर के लिए, डेवलपर के लिए ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ में। तो दूसरा हमारे पास है स्टेट मैनेजमेंट। तो दोनों हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ में ही स्टेट मैनेजमेंट जो चीज़ है वो चीज़ फॉलो हो रही होती है। और थर्ड हमारे पास है ट्री प्रेजेंटेशन। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ में ही हम विजिट को यूज़ करते हैं, जो हमारी कंपोनेंट होते हैं, हमारी जो यूआई होती है वो क्या होती है, ट्री फॉर्मेशन में हमारे पास देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमारे पास कुछ सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट प्रोसेस में देखें तो बहुत सारी डिफरेंस चीज़ें भी हमें दोनों में मिलती हैं देखने को। तो अगर एक तरफ हमें इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं तो दूसरी तरफ डेवलपमेंट लेवल पे हमें बहुत सारी डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम रिएक्ट नेटिव की बात करें तो रिएक्ट नेटिव में हमारे पास बहुत सारी फ्रीडम देखने को मिलती है कि यहाँ पर हम जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हम खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करके उसको बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्री बिल्ड कंपोनेंट इतने सारे नहीं होते हैं। इनबिल्ट हमें इतनी सारी चीज़ें रिएक्ट में देखने को नहीं मिलती हैं, हमें ज़्यादातर कंपोनेंट खुद ही बनाने पड़ते हैं, मतलब इनबिल्ट नहीं होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स। तो रिएक्ट नेटिव में हमारे पास थर्ड पार्टी पे जो रिलायबिलिटी होती है, रिलायंस होती है, वो ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। मतलब ये जो रिएक्ट नेटिव है बहुत ज़्यादा रिलाय करता है थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर या थर्ड पार्टी रिसोर्सेज के ऊपर या विजिट्स कह लो, इन चीज़ों के ऊपर रिलाय करते हैं रिएक्ट नेटिव। तो एज़ कम्पेयर अगर हम फ्लटर की बात करें तो फ्लटर में हमारे पास बहुत सारे विजिट्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स देखने को मिल जाते हैं जो कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ्लटर में ज़्यादातर हमारे पास इनबिल्ट चीज़ें होती हैं जिन्हें बस हमें यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। हम लाइब्रेरीज या पैकेजेस को इसमें डालकर हम उन प्लगइन्स को या उन विजिट्स को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें ज़्यादा काम इसमें नहीं करना पड़ता है, हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें प्री बिल्ड ही होती हैं। तो अगर हम और बात करें तो डार्ट के अंदर हमारे पास और एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि रिएक्ट नेटिव में हमारे पास नहीं होते। जो नल सेफ्टी एरर्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विजिट मिलते हैं, और रन टाइम एरर्स से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारी टूल्स या विजिट पड़े हुए हैं, प्लगइन्स पड़े हुए मिल जाती हैं। तो अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें कम्युनिटी का, तो रिएक्ट नेटिव क्योंकि हमारे पास पहले आया है तो हमारे पास ज़्यादा यूज़र जो है रिएक्ट नेटिव के हैं। बट अगर हम फ्लटर की बात करें तो हमारे पास ये स्मॉलर कम्युनिटी है बट ग्रोइंग कम्युनिटी है। तो अगर हम 2023 की बात करें, 2023 की बात करें तो हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास पॉपुलैरिटी देख लें आप, 90,000 प्लस डेवलपर है हमारे पास। ये जो हुई थी ये जून 2023 में हमारे पास ये लेटेस्ट है हमारे पास। तो ये फ्लटर की कम्युनिटी हमारे पास पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो 9.12 है, और रिएक्ट नेटिव की बात करें तो 8.43 है। तो अब जेट ब्रेन्स के अकॉर्डिंग ये भी जनवरी 17 में हमारे पास
की न्यूज है हमारे पास। तो ये ऑलमोस्ट हम राउंड अबाउट कर लेते हैं 30,000 डेवलपर की, तो इसमें जो पॉपुलैरिटी है वो 46% यूजर जो है फ्लिटर के हैं और रिएक्ट नेटिव के यूजर 32% है। ये स्टैक ओवरफ्लो और जेट ब्रेन्स के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें तो दोनों में हमारे पास बहुत सारी मतलब देखने को मिल जाते हैं कि अगर कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं या कुछ चीज़ें कॉमन हैं तो वो चीज़ें चल जाती हैं। बट अगर हम ग्राफिक की बात करें, अगर हमें हमने ऐसी ऐप्स या ऐसी यूआई डिज़ाइन करनी है जिसमें ग्राफिक का बहुत यूज़ होने वाला है, तो मतलब हम एनिमेशन वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, हमारी ग्राफिक चेंज हो रही है, हमारी यूआई जो है वो चेंज हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास फ्लिटर बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हमें वहाँ पे फ्लिटर को चूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। अगर हमने हैवी कैलकुलेशन वगैरह करनी है या एनिमेशन दिखानी है तो हमें फ्लिटर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट नेटिव अभी इतनी ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन को या एनिमेशन को हैंडल नहीं कर सकता है, उसमें अभी ये प्रॉब्लम रिजिस्ट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि फ्लिटर यहाँ पर क्यों जीत रहा है हमारे पास, क्योंकि उसके पास अपना एक यूआई इंजन है। तो वो जो यूआई इंजन है ये अपने यूआई को स्मूथली रेंडर करता है, जिससे वो जो एनिमेशंस होती है ना हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसके अपने यूआई इंजन होने की वजह से ये जो ग्राफिक है या एनिमेशन है या हैवी कैलकुलेशन है वो हमें बिल्कुल स्मूथली नज़र आती है। तो जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास है वो है जॉब्स का। अगर हम जॉब इन डेट पे हम जॉब्स की बात करें तो इन डेट पे ये हमारे पास एक जॉब की एक वेबसाइट है। तो अगर यूएस में बात करें हम तो रिएक्ट नेटिव की हमारे पास 290 जॉब्स हैं, और अगर फ्लिटर की बात करें वहीं पे तो वहाँ पर हमें 38 जॉब्स देखने को मिलती हैं, और अगर हम पेरिस में मतलब फ्रांस में बात करें तो वहाँ पर हमें रिएक्ट नेटिव की 89 जॉब्स देखने को मिलती हैं, लेकिन फ्लिटर में हमारे पास वहीं 14 जॉब्स देखने को मिल रही हैं। और अगर हम जर्मनी में बात कर ले बर्लिन में, तो वहाँ पर हमारे पास रिएक्ट नेटिव में हमारे पास 34 जॉब्स देखने को मिली हैं और फ्लिटर में हमारे पास 27 जॉब्स देखने को मिल रही हैं। तो मतलब हमारे पास जॉब्स जो हैं वो रिएक्ट नेटिव में ज़्यादा हैं। बेशक हमारे पास जो ज़्यादा यूज़र्स हैं, हमने देखा स्टैक ओवरफ्लो पे या जेट ब्रेन्स में यूज़र्स हमारे पास पॉपुलैरिटी हमारे पास फ्लिटर की है, लेकिन जॉब्स हमारे पास जितनी भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, जितनी ज़्यादा जॉब्स हैं वो हमारे पास रिएक्ट नेटिव की देखने को मिल रही हैं। और रिएक्ट नेटिव में मतलब देखें हाफ से भी ज़्यादा जॉब देखने को मिली हैं, मतलब थर्ड पार्ट अगर आप लगाएं तो हमारे पास वो फ्लिटर की जॉब्स हैं, लेकिन ज़्यादा जॉब्स हमारे पास इंडीड पे भी या अदर वेबसाइट्स पे भी आप देखें या अदर कंट्रीज़ में भी देखें तो रिएक्ट की जॉब्स हमारे पास ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम फ्लिटर की बात करें तो फ्लिटर में भी जॉब्स हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास ज़्यादातर यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से हम ईज़िली फ्लिटर को सीख सकते हैं। रिएक्ट के भी चैनल हैं लेकिन फ्लिटर के ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक और बात देखें, क्योंकि फ्लिटर हमारे पास थोड़ा देर से आया है तो यहाँ पर हमारे पास डेवलपर्स भी बहुत कम हैं, तो अगर हम में से कोई न्यू डेवलपर है तो उस वो इजीली फ्लिटर में जॉब ले सकते हैं, क्योंकि डेवलपर कम होते हैं लेकिन काम तो फिर भी ज़्यादा होता है हमारे पास। जितने डेवलपर्स हमें कम होंगे काम उतना ही ज़्यादा होगा, तो हम इजीली जॉब ले सकते हैं लेकिन हमें स्किल रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप एक अच्छे फ्लटर डेवलपर हैं या अच्छे रिएक्ट नेटिव डेवलपर हैं, लेकिन हमें इन दोनों के लिए स्किल्ड रिक्वायर्ड है। अगर हम स्किल पर्सन हैं तो हम दोनों फील्ड में जॉब इजीली गेट कर सकते हैं। तो अगर कोई डेवलपर है या न्यू यूज़र है वो इन दोनों लैंग्वेज को सिर्फ जॉब्स के पर्सपेक्टिव से ही सीखना चाहता है तो उसे रिएक्ट नेटिव को सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास उनमें रिएक्ट नेटिव में ज़्यादा जॉब्स देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्लटर की, जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ, बेशक जॉब्स कम है लेकिन स्किल पर्सन के लिए हमारे पास जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ी पे भी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ जॉब चाहिए, आप सिर्फ जॉब ही करना चाहते हैं, एक न्यू लैंग्वेज को लर्न नहीं करना चाहते, सिर्फ जॉब के लिए ही आप उसको सीख रहे हैं, तो आपको रिएक्ट नेटिव के साथ जाना चाहिए। तो लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग किस फ्रेमवर्क को चूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको मैं एक एग्जांपल से यहाँ पर समझाऊँ कि मैं यहाँ पर एक न्यू बिगनर हूँ, ठीक है, न्यू यूज़र हूँ, न्यू बिगनर हूँ, और मेरे पास एक आइडिया है कि मैं एक ऐप बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम कौन से बैकग्राउंड से आ रही हूँ, कि मैं एक जो न्यू यूज़र हूँ मैंने कौन से बैकग्राउंड से आ रही हूँ। अगर मैं जावास्क्रिप्ट से आ रही हूँ या रिएक्ट जेएस से आ रही हूँ, उन जैसे इन दो बैकग्राउंड से आ रही हूँ, तो मेरे लिए रिएक्ट नेटिव को सीखना ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। मैं क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सेंटेक्स पता होगा तो मैं रिएक्ट नेटिव को कम टाइम के अंदर सीख सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे ना रिएक्ट जेएस का पता है ना रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का पता है, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो जावा है, सी प्लस प्लस या सी हैश है, तो
मतलब ऑब्जेक्ट पे मैंने काम किया हुआ है, क्लासेस पे मैंने काम किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास फ्लटर को सीखना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, मैं मतलब डार्ट को सीख कर फ्लटर फ्रेमवर्क पे काम कर सकती हूँ, उधर मेरे पास ज़्यादा ईजी हो जाएगा सीखना। ठीक है, फिर हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना टाइम है कि हम उस टाइम के अंदर अंदर किस चीज़ को सीख सकते हैं। मतलब अगर जैसे मैं रिएक्ट जेएस करके आ रही हूँ तो या जावास्क्रिप्ट करके आ रही हूँ, तो मेरे लिए मुझे कम टाइम लगेगा और मैं रिएक्ट नेटिव को सीख लूँगी। लेकिन अगर मैं जावा करके आ रही हूँ तो मैंने तब रिएक्ट नेटिव को सीखना है, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे बिल्कुल उसका सेंटेक्स नहीं पता होगा, बिल्कुल दोनों अपोजिट लैंग्वेज हैं आपस में। तो इसी तरह अगर मैं रिएक्ट रिएक्ट करके आ रही हूँ, मतलब रिएक्ट जेएस करके आ रही हूँ, जावास्क्रिप्ट करके आ रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने फ्लटर सीखनी है, तो ये भी दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है, तो लेकिन फ्लटर में ज़्यादातर हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि हम न्यू यूज़र हैं, हमारे पास टाइम कितना है कि हम कितने कितने टाइम लगा के उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, उस टेक्नोलॉजीज़ को मतलब सीख सकते हैं बिल्कुल एक अच्छे डेवलपर की तरह। क्योंकि अगर हम रिएक्ट नेटिव की बात करें तो रिएक्ट नेटिव को हमारे सीखने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमें पहले जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है, फिर हमें रिएक्ट जेएस सीखनी पड़ती है, फिर हम रिएक्ट नेटिव पे मूव करते हैं, तो ये हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू फ्लटर। क्योंकि डेवलप जैसा मैंने आपको बताया था, फ्लटर में हमारे पास प्री बिल्ड चीज़ें होती हैं, हमें बस उन्हीं को यूज़ करना होता है, हमारे पास कुछ प्लगइन्स पहले से पड़े हुए होते हैं, हमें सिर्फ उन्हें यूज़ करना होता है। ठीक है, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में हमने जावा सी है सी प्लस प्लस पढ़ी हुई होती हैं, तो उससे हमारे पास फ्लटर में आना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, उसमें फास्ट डेवलपमेंट है फ्लटर में। तो अगर ये जो alibaba.com हमने देखी थी, ये जो ऐप देखी थी जो इन्होंने फ्लटर में बनाई है, तो पहले alibaba.com को इन्होंने रिएक्ट नेटिव में बनाया था, तो इन्हें मोस्टली एक महीना लगा था alibaba.com को बनाने में। ठीक है, तो उसके बाद जब इन्होंने फ्लटर में बनाई उस ऐप को, तो मतलब उसे 2 वीक्स लगे, 2 हफ्ते लगे alibaba.com को फ्लटर में बनाने, फ्लटर यूज़ करके बनाने में। तो देखें हाफ टाइम लगा अलीबाबा को बिल्ड करने में। तो अगर हम और देखें कि हमें सिर्फ मतलब किसी भी टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करके हमने सिर्फ जॉब ही करनी है, तो फिर हमें इस चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे हम देख चुके हैं कि हमारे पास रिएक्ट की ज़्यादा जॉब मिल रही हैं, तो अगर हमने सिर्फ जॉब्स ही करनी है तो फिर हमें रिएक्ट नेटिव को सीखना चाहिए, लेकिन हमने एक अच्छी डेवलपमेंट करनी है, फास्ट डेवलपमेंट करनी है, तो हमें फ्लटर को ही पिक करना चाहिए। बेशक हमारे पास कम्युनिटी लो है, लेकिन हमारे पास ग्रोइंग कम्युनिटी है। 2023 में हमारे पास बहुत सारे जो न्यू डेवलपर हैं उन्होंने फ्लटर को यूज़ किया है एज कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। ठीक है, तो आप होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।